हाय गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरे यूट्यूब में जस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मतलब लिटरली मेरे 3 दिन में 3000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं एंड मेरे को बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। एंड इसी बात में मैंने सोचा कि भाई होटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द वीडियो जो कि मेरी इंस्टाग्राम में भी वायरल हुई थी और अब यूट्यूब में भी इसमें काफ़ी हाइक आ रही है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ भी मुझे क्वेरी आ रही थी, यहाँ भी मुझे कॉमेंट्स में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोग को मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ या फिर तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ, बट मेरी जो जर्नी रही है बेसिकली, अभी तो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, यू मतलब होटल ईयर से कंटेंट क्रिएशन में मैं कैसे आई हूँ वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, एंड अपनी मतलब जो मैंने कोर्सेज करे एंड जो सारी चीज़ें IT JT जो भी चीज़ें होती हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी जो चीज़ें मुझसे पूछी गई थी वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, मे बी कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए इससे। बिकॉज जब मैंने होटल मैनेजमेंट करने का सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कोई बंदा या फिर ऐसी कोई वीडियो कभी मिली नहीं थी। बात करूँ कि मैंने कि होटल मैनेजमेंट करा, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि होटल मैनेजमेंट में कहते हैं ना कि और आउट ऑफ कंट्री जाने को मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। सो एक्चुअली यही रीज़न था मैंने होटल मैनेजमेंट किया। एंड मैंने मतलब 10th में डिसाइड कर लिया था मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, एंड ये रीज़न था इसीलिए 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लेने के बाद भी मेरा ये डिसीज़न कोई चेंज नहीं कर पाया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला, अरे क्यों कर रही है होटल मैनेजमेंट, तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है और लड़कियों के लिए नहीं होता है अच्छा, ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें कही। बट देखो, मैं इस फील्ड में रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है या लड़कों के लिए अच्छा नहीं है, वो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। बट क्या होता है कि वहाँ का जो प्रेशर होता है ना, मेन वो वाली चीज़ है, एंड प्रेशर तो खैर हर जॉब में रहता ही है। सो मैंने क्या करा था, 2019 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, तो मैंने उसी साल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैं प्राइवेट कॉलेज में मैंने खुद से ढूंढा एंड मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। बट आप लोग का अगर 12th कंप्लीट हो रहा है तो मैं प्रीफर करूँगी कि तुम IHMs में जाओ, बिकॉज यही होटल मैनेजमेंट के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। बिकॉज मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ से जो बच्चे निकल के गए, उसमें से एक दो ने IHM में एडमिशन लिया था, एंड वो बता रहे थे कि एक्चुअली में ईशा इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है इसमें ऐसे से। सो मुझे लगा कि हाँ, IHM एक्चुअली में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, एंड मैंने डिग्री इसलिए की बिकॉज मेरा तो क्लियर था कि भाई मेरे को तो होटल मैनेजमेंट करना है, और ऐसा नहीं था कि एक साल का डिप्लोमा करना है और बस हो गया। मेरे को ऐसा था कि नहीं, अच्छे से करना है, इसीलिए मैंने डिग्री करी। अदरवाइज मैं तुमको प्रेफर करूँगी, अगर तुम लोग नहीं हो कन्फर्म तो भाई डिप्लोमा करो, क्योंकि क्या है कि एक साल का डिप्लोमा करके तुमको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं इस इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसा है, ठीक है। और अगर आप 3-4 स्टार कैटेगरी में काम करोगे तो वहाँ पे तो ऐसा है कि इतना भी नहीं होता कि तुमको डिग्री चाहिए। अगर तुमको स्टार्टिंग मतलब जॉब करनी है, केवल एक्सपीरियंस लेना है, तो वो तुमको कोई सी भी डिग्री तुम कर रहे हो उसमें तुमको मिल जाती है जॉब। बट आगे जो प्रमोशंस होते हैं उसमें आप लोग कह सकते हो कि डिग्री की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। सो बात कुछ ऐसी थी कि 2019 में जब मैंने एडमिशन लिया तो उसके कुछ टाइम बाद कोविड लग गया, तो मेरा केवल 6-7 महीने, मतलब मैंने 4 साल का होटल मैनेजमेंट किया, BHM कर रहा था मैंने, इसमें से केवल मैं 6-7 महीने ही गई हूँ कॉलेज, उसके अलावा मैं नहीं गई हूँ। बस हमने पेपर दिए थे, हमने घर से ही पेपर दिया आधे से ज़्यादा, बिकॉज कोविड आ गया था तो घर से ही हो रहा था सब कुछ, पढ़ना लिखना हमने कुछ भी नहीं था हमको, हमने बस ऐसे ही दे दिए पेपर। एंड मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होती है पढ़ाई, ऐसा नहीं है, बट ये कि पढ़ाई होती है। कुछ लोगों को लगता है होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं होगी, भाई बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके क्या मतलब, उसके बाद ऐसा होता है कि जो भी होटल मैनेजमेंट करता है, चाहे डिग्री कर रहा हो डिप्लोमा कर रहा हो, टाइम आता है इंटर्नशिप का, जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो कॉलेजेस आपको बाहर भेजते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉलेजेस देते हैं यार, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, 5-स्टार के भी रहते हैं, थोड़ी कम कैटेगरी के भी रहते हैं। एंड मतलब मैं जो था, मैं पहले एक 5-स्टार प्रॉपर्टी में गई, ठीक है, फिर मेरे से सर्वाइव ही नहीं हुआ भाई वहाँ पे, सो मैं वहाँ से वापस आ गई। लिटरली मैं 15 दिन में वापस आ गई थी 5-स्टार वाली प्रॉपर्टी से अपनी, जब मैं IT कर रही थी। फिर मैंने 1 महीने घर पे रही मैं, फिर मैंने कहा भाई मेरे को देहरादून से बाहर अभी नहीं करनी IT, एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि देहरादून के अंदर ही करते हैं। तो फिर मैंने मतलब 3-स्टार कैटेगरी में एक IT करी थी अपनी, एंड वहाँ पे IT करी जब मैंने, उसके बाद 6 महीने IT करने के बाद मैं वहीं पे जॉब करने लगी थी, और पिछले 1.5 साल से मैं उस जगह पे जॉब कर ही रही थी। सो क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो 5-स्टार प्रॉपर्टी में एक्चुअली में करनी चाहिए तुमको इंटर्नशिप, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें तुमको सीखने को मिलती है, वो तो होता ही है, ठीक है। एंड उस मतलब क्या होता है कि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है उतनी तुम्हारी घिसाई होगी,
मतलब आईटी वालों को लिटरली मैं वैसे समझा नहीं जाता है, कुछ ऐसा है कि भाई सब बॉस बने रहते हैं, सबको ऐसा होता है भाई तू कर तू कर, मतलब मैं जिस प्रॉपर्टी में पहली बार गई थी ना 5 स्टार, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें फील करी, इसलिए मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है भाई बड़ी प्रॉपर्टी में काम। एंड गाइस अगर मैं आप लोग को डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊँ तो होटल मैनेजमेंट बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं मेन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस एंड किचन, जिसे हम फूड एंड प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा में क्या होता है कि स्पेसिफिक आपको केवल एक डिपार्टमेंट में आपकी डिप्लोमा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपको पसंद है फ्रंट ऑफिस तो आप बोलोगे भाई मुझे फ्रंट ऑफिस में डिप्लोमा करना है, तो आपको एक ही में करना पड़ेगा। बट डिग्री में यही फर्क होता है कि आपको इन चारों डिपार्टमेंट की नॉलेज मिलती है। उसके बाद लास्ट में जब आपकी लास्ट में होती है आपकी जॉब ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के जैसी होती है जॉब ट्रेनिंग, तो उसमें क्या होता है उसमें आपको डिसाइड करने के लिए कहा जाता है कि आपको एक्चुअल में कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो आप सारे डिपार्टमेंट पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। जैसे कि अगर मेरी बात करें तो मैं फ्रंट ऑफिस में थी, और फ्रंट ऑफिस मतलब मैंने क्या ही सोचा था कि मैं किचन में करूँगी और कहाँ मैं फ्रंट ऑफिस में आ गई, बट वो मेरे को ऐसा लगा कि और डिपार्टमेंट से थोड़ा सा ईजी लगा मुझे, इसलिए क्योंकि और डिपार्टमेंट में फिजिकल वर्क ज़्यादा था, और इसमें भी था बट फिजिकल वर्क नहीं था, इसमें मेंटली वर्क था। क्योंकि देखो फ्रंट ऑफिस में आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ काम नहीं है भाई, देखो गेस्टों की बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है और मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, कंप्लेंस वगैरह जो सारी चीज़ें होती है वो सब तुम्हारे ऊपर होता है, ऊपर से अकाउंटिंग होता है हमारे पास, तो उसमें भी रहता है कि गेस्ट का चेकआउट और वो सारी चीज़ें, अकाउंटिंग में मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे वाला सीन। सो गाइज अभी अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम आईटी की बात करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो बेसिकली 6 मंथ की होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, एंड IHM जो है वो 4 महीने की करवाते हैं। एंड इसमें आप लोगों को स्टाइफन मिलता है 800-1000 रुपये तक का मिलता है, ज़्यादा ज़्यादा 1500 तक का मिल जाता है, अदरवाइज इतना ही मिलता है आपको। फिर JT की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा स्टाइफन मिलता है, जैसे कि 2-3 हज़ार रुपये का मिल जाता है स्टाइफन, या कहीं कहीं पे 5000 भी मिल जाता है, ठीक है। और अब मैं अगर जॉब की बात करूँ तो जब आपकी स्टार्टिंग मतलब जॉब लगती है तो यार देखो उसमें ना मैं मतलब देहरादून की हूँ, सो देहरादून के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपको 11-12 हज़ार रुपये मिलेगी, दैट्स इट। आप किसी भी बड़े से बड़े होटल में चल जाओ, स्टार्टिंग की बात करूँ जब आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा है तो आपको इतनी मिलती है सैलरी, प्लस इसमें सर्विस चार्ज भी रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे डिपेंड होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि कहीं भी तुम फ्रेशर और तुमको 20-25-30 हज़ार रुपये मिल रही है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। बस इतना ही रहता है स्टार्टिंग का सैलरी स्ट्रक्चर, सारे डिपार्टमेंट्स की बात बता रही हूँ। सो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है यार, मतलब स्टार्टिंग में तो इतनी रहती है, और आपको जो प्रमोशंस भी मिलते हैं उसमें भी बहुत टाइम लगता है यार इनमें ना, मतलब आपको कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके तुम मैनेजर वगैरह की जॉब में बढ़ते हो। मतलब इसके बीच में और सारे स्टेजेस भी आते हैं, उसमें तुम बढ़ोगे, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सैलरी एकदम से बहुत लाखों में पहुंच जाएगी, मतलब रहता है इसमें, काफ़ी कम रहती है। तो मेरे को सैलरी स्ट्रक्चर नहीं बिल्कुल पसंद इसका। एंड साथ में मतलब अगर होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हो तो गाइस तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एक तो, साथ में तुम्हारे अंदर सबसे मेन बात है कि पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई कुछ भी बोल देता है, आपका मैनेजर आपको कुछ भी बोल सकता है, गेस्ट आपको कुछ भी बोल सकता है, तो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ कुछ लड़के थे, मेरे कॉलेजेस की बात करूँ या फिर होटल की भी कभी, तो जैसे होते हैं ना हरियाणा के आते हैं कुछ होते हैं, तो एकदम से ऑफेंड हो जाते हैं वो लोग कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया ऐसे। तो यार ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर है तो मैं तो बोलूँगी मत करना ये चीज़ें, क्योंकि गेस्ट हैंडलिंग अगर नहीं हो पाती है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना यहाँ पे। और एक और चीज़, ये तो मुझे मिथ ही लगता है, लोग कहते हैं दिस इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स या फिर सेफ नहीं है ऐसा, यार देखो ऐसा नहीं है, मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ, मैं सच बात बताऊँ तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत सुनी है, बट जब मैं एक्चुअल में रही इसमें तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारी लड़कियाँ काम करती है, 5 स्टार में बहुत सारे लोग काम करते हैं यार, तो लड़कियाँ भी काफ़ी सारी होती है, तो काफ़ी सारी जगह पे एकोमोडेशन दिया ही जाता है, ठीक है, मोस्टली दिया ही जाता है, तो वो सेफ रहता है यार तुम अपनी जॉब से जाओ। बट ये रहता है 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपकी शिफ्ट लग जाती है, नाइट शिफ्ट लग सकती है आपकी, आपको लेट जाना पड़ सकता है, बट ऐसा है कि आपको क्योंकि स्टे दिया रहता है तो ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। साथ में अगर खाने की बात करूँ तो हर होटल में खाने की सर्विस आपको मिलेगी, मतलब स्टाफ के लिए रहता है 3 टाइम का खाना, आप इवन शिफ्ट में नहीं भी होंगे तो भी आप आके खा सकते हो, तो 3 टाइम का खाना रहता है स्टाफ के लिए। एंड साथ में अगर मैं थोड़ी छोटी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं मिलते, जैसे कि मैं जहाँ पे थी वहाँ पे नहीं मिलता, बट जैसे मैं जहाँ पे थी ना वहाँ पे बेसिकली लड़कियाँ थी नहीं, ज़्यादा कमी थी, बट वो आपकी सेफ्टी का ऐसे ध्यान रखते कि आपको कभी ऐसे नाइट शिफ्ट नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं कि आपको 10-10 बजे तक रुका के रख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था, टाइम से मतलब घर भेज देते थे, तो मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, वो हमारे ऊपर ही बात होती है यार, अगर हमारी शिफ्ट ओवर हो गई फिर हम दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे बाहर जाके, तो
दैट इज रॉन्ग ना कि हम रोडों में घूम रहे हैं, बट अगर हम लोग टाइम से मतलब जो हमारी शिफ्ट ओवर हो रही है हमें कमरा दिया हम जा सकते हैं वहाँ पे, सो इट इज सेव, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो और बहुत ज्यादा सीरियस हो होटल मैनेजमेंट को लेकर तो तुम लोग अच्छी प्रॉपर्टी से ट्राई करो IT और JT करने की, बिकॉज इस चीज का इम्पैक्ट तुम्हारी जॉब में एक्चुअल में काफी पड़ता है। अगर तुम कहोगे IT एक ऐसी जगह से करिए जिसको कोई नहीं जानता तो नहीं पड़ता इतना इम्पैक्ट, लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगे मैंने ताज से करी है, हयात से करी है, ओबेरॉय से करी है, तो वहाँ के बच्चे अलग ही लगते हैं ट्रेनिंग वाले। तो इस हिसाब से क्या होता है कि उनकी सैलरी में भी थोड़ा इंक्रीमेंट होता है और स्टार्टिंग ही बेस अच्छा रहेगा तो सारा ठीक रहता है, अदरवाइज झेल हमको तभी लगती है क्योंकि काम बहुत होता है भाई, मतलब प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, कभी भी गेस्ट कुछ भी मंगा देगा, हमारी शिफ्ट जो होती है वो टाइमिंग्स जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है काफ़ी, मतलब लड़कों की तो लड़कियों से ज़्यादा ही रहती है शिफ्ट आवर्स जो रहते हैं। सो कुछ इस तरह का सिनेरियो है होटल मैनेजमेंट और का। मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि मैंने आजकल तो ब्रेक ले रखा है अपना थोड़ा सा, पिछले 2 महीने से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं मे बी अभी थोड़े टाइम बाद करूँ बट अभी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अभी मैं कंटेंट क्रिएशन ही कर रही हूँ एंड उससे ही आई एम अर्निंग, जितनी मेरी सैलरी थी उससे दुगना मैं कंटेंट क्रिएशन से ही कमा लेती हूँ गाइज। सो मैंने ना बेसिकली ये जो स्टार्ट भी करा था ये जब मैं अपनी होटल की जॉब में थी तभी से ही मैंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट कर दी थी एंड मैं कर रही थी फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सो फिर मतलब कोलेबोरेशन वगैरह जो काफ़ी सारे आते हैं तो होटल के साथ वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया एंड एक ही प्रॉपर्टी में काफ़ी टाइम से थी, मैंने सोचा मे बी मैं शिफ्ट करती हूँ, स्विच करती हूँ किसी और प्रॉपर्टी में। सो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें रहती हैं, बाकी अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा और पूछना है तो तुम मेरे को कमेंट्स कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को DM भी कर सकते हो एंड मैंने ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया है, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी तो मुझे भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड अपने कोई भी मतलब रिलेटिव्स या जो भी तुम्हारा भाई बहन भी होटल मैनेजमेंट करना चाहता है तो उसको तुम ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उसको भी एक्सपीरियंस मतलब उसको भी आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें रहता है, कैसे कैसे रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाई।